केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हाल ही में आम बजट प्रस्तुत किया गया। ये बजट आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिए जन आकांक्षाओं के अनुरूप है। केंद्रीय कपड़ा एवं महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए गुलाबी नगरी जयपुर पहुंची। जयपुर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भारत सरकार कोरोना की लड़ाई के दौरान जिन विषम परिस्थितियों के अंदर भारत सरकार जो बजट लेकर आई है, उस बजट के अंदर भी सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया और ये बजट भी गरीब को गणेश मानते हुए, गरीबों के सर्वांगीण विकास को केंद्रित रखते हुए, मजदूरों को विशेष ध्यान देते हुए, किसानों की समस्या का समाधान करते हुए एक समावेशी बजट भारत सरकार ने हिंदुस्तान की जनता को दिया है। उस बजट के विषय में ही आज की इस प्रेस का आयोजन किया गया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। वैश्विक महामारी COVID-19 की चुनौतियों से उभार कर सशक्त राष्ट्र के नवनिर्माण की कल्पना के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हाल ही आत्मनिर्भर का भारत का बजट राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। आप सबको जैसा कि ज्ञात है, वैश्विक महामारी COVID-19 विश्व भर की अर्थव्यवस्था के लिए कई चुनौतियां लेकर आई। हमारे देश में भी जब ये महामारी आई तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प था कि एक भी गरीब भूखे पेट इस महामारी के चलते ना सोए। देश की 80 करोड़ जनता के लिए 8 महीनों के लिए सतत मुफ्त में राशन प्रदान किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से। ये भी कहना ठीक होगा कि विषम परिस्थितियों से जूझते हुए हिंदुस्तानी के लिए प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत पैकेज की भी घोषणा की। इसमें 1,00,000 करोड़ एग्री इंफ्रा फंड, महिलाएं जो समूह में काम करती हैं उनके लिए क्रेडिट की राशि को 10 लाख से 20 लाख तक का बढ़ाना, एमएसएमई को हमारे देश में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का समर्थन, बैंक की व्यवस्थाओं से इसको प्रतिस्थापित करना, आत्मनिर्भर भारत पैकेज में सतत जनता की, उद्योग की, किसान की, महिला की और नौजवानों की मदद नरेंद्र मोदी सरकार ने की। हाल ही में जो बजट प्रस्तुत हुआ, सर्वस्पर्शी वो बजट राष्ट्र के नव निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी सशक्त करते हुए 2,23,000 करोड़ का आवंटन बजट में किया गया। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, देश में कई कस्बों में, कई जिलों में लैब की व्यवस्था की दरकार थी। देश में कई ब्लॉकों में क्रिटिकेयर हॉस्पिटल की दरकार थी। चुनौतियों के समय में देश जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व तले एकजुट होकर खड़ा रहा, उसी राष्ट्र के बेहतर स्वास्थ्य के लिए
आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उल्लेख और घोषणा इस बजट में की गई। हमारे राष्ट्र में सड़क निर्माण के माध्यम से अर्थव्यवस्था के निर्माण में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विशेष कैपिटल एक्सपेंडिचर की दृष्टि से मात्र सड़क निर्माण में 1,00,000 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर का आवंटन देखा। जल जीवन मिशन अपने आप में स्वतंत्र भारत में हर गरीब परिवार तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने का मिशन है। इस मिशन के अंतर्गत विशेष ग्रामीण अंचल में अब तक 2,30,00,000 से ज़्यादा परिवारों तक इस मिशन के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंचाने का कार्य मोदी सरकार ने किया। हाल के इस बजट में आवंटन शहरी इलाकों में भी जल जीवन मिशन को प्रतिस्थापित करने का हम सबने देखा। हमारे देश में विशेषतः वो गरीब परिवार जिसमें बहनें रसोई में हर दिन धुएं से संघर्ष करती, उन परिवारों में से 8 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन लोगों ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से मोदी सरकार में स्वच्छ ईंधन प्राप्त किया। हाल का आत्मनिर्भर भारत बजट, एक महिला होने के नाते मैं आनंदित हूँ कि उस बजट में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1 करोड़ नए परिवारों को जोड़ने की एक नई कल्पना को हम सब ने देश की संसद में प्रस्तुत होते देखा। कृषि कल्याण की दृष्टि से माइक्रो इरिगेशन फंड को वित्त मंत्री जी ने दुगना किया। मोदी सरकार में किसान और डिजिटल इंडिया का स्वप्न साकार तब हुआ जब लगभग 1,70,00,000 किसान ईनाम की डिजिटल मार्केटिंग व्यवस्था से जुड़े। इन 1 करोड़ लगभग 70,00,000 किसानों ने एक वित्तीय वर्ष में 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा का ट्रेड अपनी उपज का ईनाम प्लेटफॉर्म पर किया। हाल ही के आत्मनिर्भर भारत बजट में ईनाम की व्यवस्था को अब और भी विस्तार किया जाएगा। देश की 1,000 और मंडियां ईनाम से जोड़ी जाएंगी। हमारे ग्रामीण अंचल में विशेषतः जहां पर ट्राइबल परिवार हैं उनको इस बजट में विशेष प्रावधान दिया गया। शिक्षा की दृष्टि से एकलव्य मॉडल स्कूल हर ट्राइबल जिले में स्थापित हों, इसकी व्यवस्था बजट में की गई। देश का सैन्य बल, जो हमारे राष्ट्र का गौरव है, उनकी शान में देश में 100 सैनिक स्कूल की स्थापना की भी घोषणा हुई। देश भर में 4 करोड़ दलित छात्र हैं जिनकी स्कॉलरशिप की घोषणा इस बजट में आपने विशेष रूप से देखी। COVID-19 के वैक्सीन के संदर्भ में बजट में वित्त मंत्री जी ने 35,000 करोड़ रुपया आवंटित किया, इस विश्वास के साथ कि अगर और भी दरकार होगी वैक्सीनेशन में तो उसके लिए वित्त मंत्रालय व्यवस्था को पूर्ण करेगा। साथ ही न्यूमोकोकल वैक्सीन, जिसके अभाव में हर वर्ष देश में 50,000 बच्चों की मृत्यु होती है, उस वैक्सीन को अब आत्मनिर्भर भारत का बजट हर प्रदेश तक पहुंचाएगा।
जिसके चलते सालाना लगभग 50,000 बच्चों की जानें हमारा राष्ट्र बचा पाएगा। एक तरफ कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने वाला बजट है, उज्ज्वला योजना का लाभ 1 करोड़ और बहनों तक पहुंचाने का बजट है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित करने का बजट है, दलित छात्रों तक एनहैंस छात्रवृत्ति पहुंचाने का बजट है, और दूसरी ओर गर्भवती महिलाएं बच्चों तक पोषण 2.0 पौष्टिक आहार पहुंचाने का ये बजट है। आज राजस्थान की पुण्य भूमि से मैं हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, सांसद, जनप्रतिनिधियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने इस बजट को सर्वस्पर्शी बताया। इसी कड़ी में MNIT सभागार में प्रबुद्ध नागरिक संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। प्रबुद्ध नागरिक संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अतिरिक्त जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, राजस्थान भाजपा संगठन महासचिव चंद्रशेखर, पूर्व अध्यक्ष भाजपा अशोक परनामी, पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ, नरपत सिंह राजवी, विधायक अशोक लाहोटी और जयपुर ग्रेटर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर भी उपस्थित रहे। आयोजक बंधुओं द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों द्वारा इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री का पारंपरिक अंदाज में अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम को सर्वप्रथम जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने संबोधित किया और कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कोविड महाकाल में जिस तरह का जो बजट पेश करने का जो काम किया, आज सभी भारतवासी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और माननीय मंत्री महोदय जी को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जयपुर शहर में सभी जयपुरवासियों ने और प्रदेशवासियों ने, और अभी आपके सम्मान में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के इस बजट को, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के इस बजट को जिस तरह से लोगों ने सराहने के काम किया है, अपने आप में एक अद्भुत काम हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस महामारी में जो प्रधानमंत्री ने मेक इंडिया का जो आह्वान किया, और इस महामारी में 2 वैक्सीन तैयार करके और मेक इन इंडिया का जो काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया, मैं प्रधानमंत्री को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक समय था जब भारतवर्ष दूसरे देशों के सामने देखने का काम करता था। कोई भी चाहे महामारी आई हो या कोई भी आर्थिक संकट हुआ हो या और कोई वैश्विक बात हुई हो, पर आज हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से 7वां वर्ष जो चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जो काम किया है, आज दूसरे देश भारत की ओर अग्रसर हो रहे, भारत को देख रहे।
प्रबुद्ध नागरिक संवाद को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस वर्ष के आम बजट को जन कल्याणकारी बताया। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों के बावजूद भी बजट में आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा निश्चित रूप से देशवासियों को बड़ी राहत प्रदान करेगा। एक राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती का समय क्या हो सकता है? कई विशिष्ट व्यक्तियों ने देश में इसको परिभाषित किया। एक राष्ट्र के लिए वो कौन सी परिस्थिति है जो युद्ध के बराबर है, इस पर कई निबंध लिखे गए, कई किताबें छपी। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने जीवन में एक काल ऐसा भी देखूंगी अपने देश में जब एक वैश्विक महामारी देश के दरवाजों पर दस्तक देगी मौत का सामान लेकर। विश्व भर में जब कोविड महामारी आई तो बड़े से बड़े विशेषज्ञों ने इस चिंता को व्यक्त किया कि 130 करोड़ का देश हिंदुस्तान, वहां पर कितने लोगों की मृत्यु होगी। 130 करोड़ का ये देश हिंदुस्तान, वहां कितने लोग ऐसे होंगे जो गरीबी से जूझते हुए महामारी का इस संघर्ष को झेल ना पाएंगे। 130 करोड़ का ये देश चुनौतियों से भरे कोरोना काल को झेल नहीं पाएंगे। लेकिन दुनिया को शायद तकाजा नहीं था इस बात का कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी क्या चीज है। दुनिया को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि एक चाय वाला देश का मात्र प्रधान सेवक नहीं बना बल्कि परिवार का मुखिया बना है। और जब कोई नेता नागरिक को, जनमानस को परिजनों के सम्मान, प्रेम करे, उनकी चिंता करे, तब विषम से विषम परिस्थितियों में हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसका उदाहरण हिंदुस्तान ने विश्व भर के सामने साल 2020 में प्रस्तुत किया। कई लोगों की ये अभिलाषा थी कि आज का यह कार्यक्रम मात्र बजट को समर्पित हो, लेकिन सही मायने में गुलाबी नगरी में आज अगर आराध्य देव श्री गोविंद देव जी का स्मरण कर मैं अभिनंदन और आभार व्यक्त करूं तो सबसे पहले उन डॉक्टर्स के प्रति, उन नर्सेस के प्रति, उन स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार अर्पित करना चाहूंगी जिन्होंने अपनी चिंता नहीं की बल्कि जिन्होंने सेवा के कार्य में कोई विघ्न को आने नहीं दिया, समाज के प्रति समर्पित भाव से उन्होंने अपनी सेवा दी। आज अगर मैं आभार व्यक्त करूं तो भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते भाजपा के हर उस कार्यकर्ता को आभार व्यक्त करती हूं जिसने लॉकडाउन की परिस्थिति में भी अपने आसपास के इलाकों में किसी गरीब को रात को भूखा नहीं सोते दिया। 1,90,00,000 से ज्यादा फूड पैकेट का वितरण भाजपा के कार्यकर्ता ने खुद मैदान में उतर कर किया। अगर आभार व्यक्त करना चाहूं तो उस व्यक्ति को आभार व्यक्त करती हूं जिसने सीए या सीएस की भूमिका में, एमएसएमई में, उद्योग में किसी को निराश नहीं होने दिया और कहा कि चुनौती का यह समय है लेकिन मोदी है ना तो सब मुमकिन है। अगर आभार व्यक्त करूं तो उन शिक्षाविदों को व्यक्त करूं जिन लोगों ने समझा कि हर गरीब के बच्चे के पास पढ़ने के लिए टैबलेट नहीं है, फोन नहीं है, गली मोहल्ले के उस गरीब बच्चे को भी उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद भी पढ़ाया, अपने धर्म का पालन किया। आभार व्यक्त करती हूं, आनंदित हूं यह आभार व्यक्त करते हुए कि हमारी नौजवान पीढ़ी ने पड़ोस में रहते हुए उन वरिष्ठ जनों का भी सम्मान किया, घर में जाके पूछा कोई चिंता तो नहीं है, अकेले हैं तो क्या आपकी मदद कर सकते हैं हम, अभिनंदन है ऐसे नौजवानों का।
और इसलिए आज अगर अभिनंदन दें हम प्रधानमंत्री जी को, तो इस बात का भी अभिनंदन दें कि राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 80 करोड़ नागरिकों को 8 महीने का मुफ्त का राशन अगर किसी ने दिलवाया तो मोदी की सरकार ने दिलवाया। यहाँ इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जिन लोगों ने वो समय देखा है जब कांग्रेस के नेताओं के चक्कर मारने पड़ते ताकि टेलीफोन का कनेक्शन एक मिल जाए, सिलेंडर का एक कूपन मिल जाए। चाहती हूँ नौजवान कभी बैठे बड़े बुजुर्गों के साथ और पूछे उस वक्त कैसा होता था। कभी कल्पना नहीं की थी इस राष्ट्र ने कि हमारे देश में एक दिन एक ऐसी सरकार आएगी जो सबसे पहले ये कहेगी, अरे गरीब को अगर व्यवस्था देनी है, आर्थिक मदद देनी है, तो कम से कम पहले उसका बैंक का खाता तो खोलो। नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जनधन योजना की शुरुआत की, उपहास उड़ाया तब कांग्रेस के नेताओं ने और कहा गरीब का अकाउंट खोलकर क्या फायदा, गरीब पैसा कहां जमा कर सकता है। कुछ लोगों ने अट्ठास लगाया कि गरीब का खाता तो तब खुलेगा जब उसकी जेब में मिनिमम डिपॉजिट का पैसा होगा, घर में कोई कागज होगा ताकि अकाउंट खुल सके। तब मोदी जी ने आदेश दिया था कि अगर गरीब के पास कागज ना भी हो, मिनिमम डिपॉजिट का बैंक का बैलेंस करने का पैसा ना भी हो, तो भी जीरो बैलेंस का अकाउंट खोलो। 40 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुला साहब, जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। ये शायद उन लोगों को ज्यादा आहत ना करे जिन लोगों के लिए बैंक का दरवाजा खोलकर अपने अकाउंट को ऑपरेट करना एक सामान्य सी बात है, लेकिन सोचिए अगर आपके पास अकाउंट ही ना हो तो आपकी हालत क्या हो। और इसका परिणाम क्या हुआ, कोरोना महामारी में इन 40 करोड़ में से 22 करोड़ बहनें थी जिनका जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुला। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 31,000 करोड़ रुपया आप सबके आशीर्वाद से उस गरीब माँ बेटी के बैंक के खाते में गया। जिस मिनी बजट की राघव जी और सतीश जी बात कर रहे थे वही तो है। गरीब कल्याण योजना में 1,70,000 करोड़ रुपया, 8 महीने का मुफ्त राशन 80 करोड़ नागरिक को पहुंचाना साधारण सी बात नहीं है। एक एक नागरिक के घर तक वो राशन पहुंचा क्योंकि नेता निष्ठावान है। आज हम लोग कितनी आसानी से कहते हैं एक प्याली चाय घर में बने। उस गरीब से कभी पूछे जिसके घर में कभी गैस का सिलेंडर नहीं होता था, जिसके लिए रसोई में चूल्हा फूंकना किसी संघर्ष से कम नहीं होता था। कितनी बेटियां ऐसी थी जिनसे कहा जाता था स्कूल मत जा, लकड़ी बीनने जा, शाम को रोटी पकानी है। कितनी माताएं ऐसी थीं जो हर दिन अपने घर में रसोई में चूल्हा फूंकती। और यहाँ कितने वरिष्ठ ऐसे बैठे हैं जिन्होंने गरीबी स्वयं देखी है कभी जीवन में, जिन्होंने अपनी माँ की उस खांसी को सुना है। कितने बेटे जो सहम जाते माँ ने जीवन भर खांसा लेकिन उफ एक बार तक नहीं की क्योंकि बच्चों को घर में रोटी परोसनी थी। और ये वो नहीं समझे जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए जिसकी माँ ने कभी चूल्हा नहीं फूका, ये वो चाय वाला समझा जिसकी माँ ने गरीबी में संघर्ष किया। और साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया, चुनाव जीत चुके थे, और कहा देश की जनता से कि अगर आप अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं कृपया क्या आप साथ देंगे ताकि देश की गरीब माताओं बहनों को हम गैस का एक सिलेंडर दिलवा सके। उस वक्त देश के 1 करोड़ नागरिकों ने अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ी, इतना विश्वास मोदी पर कि हमने छोड़ी है सब्सिडी, गरीब महिलाओं को मिलेगी गैस का वो सिलेंडर। और उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को गैस का सिलेंडर मिला। इसलिए कहती हूं बजट को सूक्ष्म दृष्टि से ना देखें। इस बार भी बजट में कहा गया है कि 1 करोड़ और गरीब बहनों को मुफ्त का सिलेंडर मोदी सरकार दिलाएगी। आज ये आपके सामने इसलिए कहती हूं क्योंकि ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके अपना वोट अपना आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को दिया।
यहाँ कितने परिवार ऐसे बैठे हैं, कितने नागरिक ऐसे बैठे हैं जिन्होंने गरीब के उस संघर्ष को देखा। जब घर में अगर माँ बीमार हो जाए तो कभी अपने बच्चों को नहीं बताती, पति को नहीं बताती, क्योंकि बीमारी का खर्चा उठाने की औकात नहीं होती किसी के घर में। और इसलिए देश के इतिहास में पहली बार जन औषधि केंद्र का निर्माण अगर किसी ने कराया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करवाया। दवाई में कितना खर्चा होता है ये शायद निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार जानते हैं। और आज भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि सालाना गरीब का 3,500 करोड़ रुपया बचता है सिर्फ सस्ती दवाई के माध्यम से, देश के 7,000 उन केंद्रों के माध्यम से जिसमें जनता को औषधि मिलती है सस्ते दामों पर। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। राष्ट्र के इतिहास में आपके आशीर्वाद से ये गौरव स्थापित किया कि 10 करोड़ गरीब परिवारों को हम सालाना 5,00,000 रुपए का मेडिकल कवच देंगे देश के 24,000 अस्पतालों में। और आज भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते इस बात का गौरव करती हूं कि गत 2 वर्षों में 1.5 करोड़ गरीबों को उपचार मिला, 30,000 करोड़ रुपया का साधन उनको हमने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दिलवाया। और इस बजट में अभिनंदन है प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2,23,000 करोड़ का आवंटन किया।